પર હું તને ફ્રેમ આપી બનાવી આપું છું. હા જો છે ને, જો એક ચેર, હું આ ચેર પર બેસેલો છું, આ સોફો બી આખો આવશે એવું લાગે ને, તો એક કાચ ખોલી નાખીશ, લાઇટ થોડીક વધારે આવશે. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ. લાસ્ટ વિડીયો મેં આપકો બતાયા થા કે મેં કુછ સેલેશ કે સાથ એક સ્ટાર્ટઅપ કરને વાલા હું, ઠીક હે? તો वो जानने के बाद कई सारे मेरे फ्रेंड्स और सभी ने मुझे क्वेश्चन किया कि मेरा जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का वर्क है वो मैंने क्या बंद कर दिया है. सो वो मैंने बंद नहीं किया है, लेकिन ये एक नया स्टार्टअप है जो बिल्कुल ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से काफ़ी अलग है, जिसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा. इस प्लेस को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर आ गया आज. सो पूरा वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर आया. आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे आपको एक क्लब हाउस क्यों दिखा रहा हूँ. ये वीडियो क्लब हाउस के बारे में नहीं है. आप टाइटल देख के आए हो, सही जगह पे आए हो. टाइटल में मैंने बताया कि अवर स्टार्टअप विल मेक यू रिच. रिच का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, ओके? सभी लोग रिच का जो मतलब है वो अलग अलग तरीके से लेते हैं. दो तरीके के अमीर आदमी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अमीर आदमी ऐसा है जिसकी अगर 100 रुपीज़ अर्निंग है तो उसमें से 50 रुपये वो खर्च करेगा और बाकी के जो 50 रुपीज़ है उसको वो सेव करेगा. और दूसरा जो अमीर आदमी होता है, अगर उसकी 100 रुपीज़ की अर्निंग है तो वो 150 रुपीज़ का खर्च करेगा, मतलब 50 रुपये का उधार लेगा, कहीं से भी लोन लेगा, कुछ भी करेगा वो, लेकिन 150 रुपये का खर्च करेगा. तो जो सोसाइटी जो है वो, जो समाज है, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उसे अमीर कहते हैं. ज़्यादातर इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि हम उसे अमीर कहते हैं जो ज़्यादा खर्च करे, ना कि उसे अमीर कहते हैं जो ज़्यादा बचाए और इन्वेस्ट करे. सो मेरा मानना है, मेरे लिए वो अमीर आदमी नहीं है कि जो जितना अर्निंग कर रहा है उससे ज़्यादा अगर खर्च कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से वो रिच आदमी नहीं है. अमीर आदमी वही है जो अगर 50% खर्च कर रहा है, अगर उस बाकी के 50% अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, वो मेरे लिए अमीर आदमी है. तो हमारा जो स्टार्टअप है वो उसी चीज़ के बारे में, वो आपको एक हैबिट डालेगा आपको सेविंग्स करने की और उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की. आपको लग रहा होगा कि ऑल ऑफ सडन मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से ये इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ. एक्चुअली हम इस जगह पे हमारे क्लाइंट से मिलने आए थे और क्लाइंट वही है जिसे इन्वेस्टमेंट करना है. हमारा जो स्टार्टअप है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारी एडवाइजेज और कंसल्टेशन हमारे क्लाइंट्स को मिलती है सेलेस की ओर से. So he is a certified investment advisor. So basically अभी मीटिंग ख़त्म हो गई और अभी हम जाएंगे घर. और हमारे साथ हार्दिक भी आया था. हार्दिक को वैसे आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, कौन है, क्या करता है और हम दोनों क्या साथ में एक और जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी.